हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वासिम्पल में। जी हाँ, अगर आपके पास भी लैपटॉप या पीसी है और आप भी परचेज करना चाहते हैं ये माउस जो कि वायरलेस है, तो मैं आपको जो है सजेशन दूंगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट का माउस इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए विस्तार से आपको बताते हैं इसके बारे में कुछ खास, क्या है इसमें खास और कितना का पड़ा मुझे ये और कब से मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, तकरीबन मुझे 2.5 साल इस माउस का हो चुका है। ना ही अब तक मैंने इसकी बैटरी चेंज की है और ना ही मेरा माउस किसी भी तरह से कोई ख़राब हुआ है। तो सबसे पहले आपको जब ये माउस आप परचेज करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये छोटा सा USB केबल, जिसको आप अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप में लगाइए या फिर अपने जो है CPU में लगाइए। आपको ये इस टाइप का मिल जाएगा छोटा सा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। इसको आपको सिंपली लैपटॉप में जो क्लिक कर देना है, एकदम छोटा सा माइक्रो टाइप का है, आपको पता भी नहीं चलेगा और ये आपके जो है लैपटॉप में बिल्कुल आसानी से अटैच हो जाएगा। फ्रेंड्स, उसके बाद ये जो माउस की बात करें अगर, तो इस माउस की क्वालिटी है कि ये आपका जो है बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही सूटेबल काम करता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा और ये पूरे हैंड में जो है फिक्स आ जाता है। और यहाँ पे अगर बैक से टाइप तरफ की बात करें तो यहाँ पे मिल जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जब भी इसे चाहें तो यहाँ से ऐसे इस तरह से ऑन कर सकते हैं। वापस अगर आप काम कर चुके हैं या आपको लगता है कि माउस की ज़रूरत नहीं है तो आप यहाँ से इसको सिंपली ऑफ कर सकते हैं। इससे क्या है फ्रेंड्स कि आपकी जो है बैटरी थोड़ा बचेगी। वैसे इसकी बैटरी कोई खासा ज़्यादा नहीं, जल्दी नहीं ख़त्म होती, क्योंकि इसकी जो बैटरी है बहुत हैवी होती है। मेरे जो इसको परचेज किया था तो मुझे रिचार्जेबल बैटरी मिला था और कुछ इस तरह से जब आप बेचेस बैक टाइप से अगर खोलेंगे आपको तो यहाँ पर मिल जाएगा इस तरह का एक 1 piece A4 साइज का बैटरी, जो कि आपको सिंपली इसमें अटैच करना है। बैटरी ख़त्म हो जाए तो आप दूसरा लगा सकते हैं। वैसे ही मुझे ये 2 साल तकरीबन हो गए इस बैटरी को और अब तक ये बिल्कुल कहीं से ख़राब नहीं हुआ है। चार्ज करके मैं इसको चला रहा हूँ, एक बार चार्ज करने के बाद ये कम से कम जो है 1 से 1.5 महीना तक चलता है। फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छा है ये माउस और मैं इसे काफ़ी जो इस पर ट्रस्टेड हूँ। और थोड़ा देखिए, मैं क्या है कि जब भी हमें कोई चीज़ की आवश्यकता होती है, हम मार्केट में जाते हैं तो हमें बहुत तरह से सामान मिलता है, कुछ सस्ते मिलते हैं कुछ महंगे मिलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वो कहावत सुना होगा आपने, सस्ता रोवे बार बार महंगा रोवे एक बार। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल वही कहानी है। आप अगर 500 600 700 का माउस लेते हैं या फिर 200 300 का लेते हैं तो वहाँ पर आपको 3 महीने या 4 महीने 6 महीने के बाद आपका जो है माउस ख़राब हो जाता है। यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स कि आपको एक बार ये मिलेगा, एक बार जो आपको ये मिलेगा, आप मैं इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो अमेजोन से जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अमेजोन से जो है आप परचेज कर सकते हैं। तो रियाद से मैंने इसको खरीदा था तो 100 रियाल का आपको ये इंडिया मिल जाएगा, 1800 कुछ रुपए का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा है, उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और मैं इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है इससे, लेकिन मैं जो जिनम चीज़ है बेहतर मुझे जो लगा, जो मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी पहले परेशान हुआ करता था माउस को लेकर के, 6 महीने 7 महीने चलते थे और जो है माउस हमारा ख़राब हो जाता था। तो फ्रेंड्स, ये आप लीजिए और इसको यूज कीजिए, बहुत ही बेहतरीन है। क्वालिटी की अगर बात करें तो बहुत क्वालिटी इसमें जो है हर तरफ से ज़बरदस्त मिल रहा है। ये कई बार गिरा है, ये ठीक से गिर भी गया है, लेकिन यहाँ पे इसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है, आशा है आज का जो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और नए मेहमान से मेरा गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।